हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज एरो। आज हम कुछ नया सीखते हैं। इस बानेट का खोया हुआ सुंदरता फिर से वापस लाएंगे, वो कैसा कि देखेंगे। पहला, एक साफ सुथरा कपड़ा लेकर बाइक का इस ब्लैक पार्ट यानी बानेट का पार्ट डस्ट नहीं सर का क्लीन कर दो। उसके बाद पीछे मडगार्ड को भी क्लीन कर दो, डस्ट गिस्ट है तो क्लीन कर दो। अगर ज़्यादा चीख कीचड़ है तो पानी से पहला धोकर बाद में सूखा कपड़ा से क्लीन कर दो। पेंट कलर पेंट को टच मत करो, क्योंकि कलर पेंट का पॉलिशिंग का किस्सा अलग है। ये सिर्फ मडगार्ड और बानेट को ले। आपको EP140 गेयर ऑयल खरीदना है। अब इसका खरीद आके 119 रुपीस हाफ लीटर। आप EP90 भी खरीद सकते हो। अगर 140 नहीं मिले तो EP90 भी खरीद सकते हो। आपको एक स्पॉन्जी की ज़रूरत पड़ती है। एक प्लेट लेकर उसमें थोड़ा ऑयल डालो इस तरह। उसके बाद इस स्पंज की मदद से अप्लाई करो। ये ब्लैक पार्ट है ना, जो जो ब्लैक पार्ट दिख रहा ना, वो ब्लैक पार्ट को अप्लाई करो। ऑयल में डुबाओ और अप्लाई करो। अब ये ही ऑयल कई को यूज़ करना करने का एक थीरी, बहुत बड़ा थीरी। उस थीरी से आपको कुछ लेना देना नहीं। आपको रिजल्ट चाहिए तो, अच्छी रिजल्ट चाहिए तो ये ऑयल को खरीदो। EP140 या EP190 दोनों में कोसा भी चलता। स्पीडोमीटर कंसोल को भी कंप्लीट ऑयल से क्लीन कर दो। ये ऑयल में डिप करो स्पॉन्जी, और स्पॉन्जी लेके उस पर लगड़ दो कंप्लीट। उस विंडशील्ड है ना, वो विंडशील्ड को भी आप चाहे तो उसे भी अप्लाई कर दो इस ऑयल को, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है वो सब ब्लैक पार्ट को इस ऑयल से रब कर दो। अब इस साइड आके इधर भी रब करेंगे। स्पॉन्जी लिए तो आपको इवेनली ऑयल अप्लाई करने में इवेनली अप्लाई होगा। अगर आप क्लॉथ लिए तो थोड़ा उतना क्वालिटी नहीं आएगा। सो कंपलसरी एक स्पॉन्ज का छोटा टुकड़ा ही लेकर अप्लाई करो इस ऑयल को। पूरा कंप्लीट बानेट को अप्लाई करो। हर एक स्क्रू, हर एक कोना को, हर एक कोने को भी मत छोड़ो, कंप्लीट अप्लाई कर दो। अब हैंडल बार को भी अप्लाई करो। हैंडल बार को भी जो जो ब्लैक पार्ट है ना, वो सब पेंट है। तो जो जो ब्लैक पार्ट आपको दिख रहा है, इस स्पॉन्ज को ऑयल में डुबाओ और अप्लाई कर दो, ताकि एक लेयर सा कोटिंग बैठ जाए। और इस स्विच असेंबल को भी अप्लाई कर दो। लेफ्ट साइड क्लच लीवर जो रहता है ना, उधर स्विच असेंबली को अप्लाई करो। इसी तरह राइट साइड भी स्विच असेंबली को कंप्लीटली अप्लाई कर दो।
ध्यान रहे कि ग्रिप्स को मत लगाओ, सिर्फ उस स्विच असेंबल को ही अप्लाई करो। ऑयल को ग्रिप्स पर मत अप्लाई करना चाहिए। अगर आप ऑयल ग्रिप्स पर गिर गया तो उसे इमिडिएटली पोंछ दो, वरना गाड़ी स्लिप होती रहेगी। अब मड गार्ड को भी सेम उसी तरह कंप्लीटली ऑयल को अप्लाई कर दो। टेल लैंप को भी अप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोसा पार्ट भी छोड़ो मत, कंप्लीटली ऑयल में अप्लाई कर दो। अब इससे क्या होगा कि जो सुंदरता आपकी गाड़ी खो गई वो सब सुंदरता वापस आ जाएगी और आपकी गाड़ी नई जैसी चमकने लगेगी। अब डल गाड़ी आप चलाते हो तो अंदर कोई सैडनेस रहता है, अगर इस तरह शाइनिंग आ गया तो आपको नई गाड़ी चलाने की फीलिंग आएगी और अंदर से आप प्राउड फील हो गए। तो इस ऑयल अप्लाई करने से आपको हैप्पीनेस एक्स्ट्रा बोनस में मिलेगा, बस आप खुशी से ड्राइविंग करेंगे। इसी तरह सिग्नल लाइट्स को भी कम्प्लीटली ऑयल से अप्लाई कर दो, सिग्नल लाइट्स भी चमकने लगेंगे जैसे नए शोरूम पीस जैसे। सिर्फ इस ब्लैक पार्ट्स को ही अप्लाई करो, गाड़ी का पेंटिंग को मतलब अप्लाई करो। पेंटिंग का पॉलिश अलग से रहता है, उसे बाद में देखेंगे। देखिए रिजल्ट, फुल कम्प्लीटली गाड़ी का सुंदरता रिस्टोर हो गया। ये हमारा बाइक का रिस्टोरेशन बन गया। अब इसके बाद अब मैस्ट्रो गाड़ी का बैनेट सिस्टम को भी रिस्टोर करके नई जैसा चमका देंगे हम, जिप्सी तरह। वही EP140 ऑयल थोड़ा ले लो, अगर बैनेट पर कोई डस्ट है तो एक साफ कपड़ा लेके कंप्लीट बैनेट को क्लीन कर दो। आपकी गाड़ी एक्टिवा हो या जुपिटर हो या सुजुकी एक्सेस हो या अप्रिला हो, कोई भी गाड़ी हो, सेम प्रोसीजर। एक साफ़ सुथरा कपड़ा लेके पहुँचो और ऑयल को स्पॉन्ज से लगा के अप्लाई करना शुरू कर दो। कंप्लीट स्पीडोमीटर को भी कंप्लीट अप्लाई करो। सामने विंडशील्ड है ना, थोड़ा ब्लैक सा, उसको भी अप्लाई कर दो ताकि गाड़ी सब नई जैसी चमकने लगेगी। अब ये क्यों बानेट डल होता का, तो अब गाड़ी 1 ईयर पुरानी होगी तब धूप का हीट लग के ये थोड़ा डल दिखने लगेगा। सो उस डलनेस को निकाल के फिर नया जैसा चमकाने के लिए ये सिंपल टेक्निक है। आप दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हो पर उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, दूसरा ऑयल को कुछ प्रॉब्लम रहता है, ये ऑयल है तो परफेक्ट है। EP140 या EP90 आपको जो मिला वो ले लो, दोनों से काम बन जाएगा। आपको 1 लीटर मिले तो भी खरीद के छपाओ, क्या होगा 1 ईयर तक आराम से ऑयल काम आएगा। ऑयल तो अच्छा कमाल की चीज़ है। इस तरह हर एक पार्ट को अप्लाई करो, कोई भी गैप मत छोड़ो, कम्प्लीटली ऑयल में डुबाते जाओ, अप्लाई करते जाओ, जैसे भी हो ऐसा अप्लाई कर दो। रफ से अप्लाई कर दो, स्मूथनेस की ज़रूरत नहीं, फिनिशिंग बाद में निकालेंगे, पहला रफली अप्लाई कर लेते चले जाओ। अब ये मैस्ट्रो गाड़ी है, इसको हम रिस्टोर कर रहे हैं। अगर आपकी गाड़ी एक्टिवा हो, सुजुकी एक्सेस हो, जुपिटर हो,
कोई भी गाड़ी हो, महिंद्रा गस्टो हो, कस्टो हो, कुछ भी गाड़ी हो, सेम प्रोसीजर। इसी तरह ऑयल अप्लाई कर दो और इसका कमाल रिजल्ट खुद आपके ओन आँखों से आप देखो। जब इसका रिजल्ट आप देखते हो तो आप अंदर से खुश हो जाओगे, आप प्राउड भी फील होगे कि नई गाड़ी चला रहे हो। सो आपको करना क्या है, ऑयल ले लिए, स्पंज ले लिए, अप्लाई करते जाओ, अप्लाई करते जाओ, नीचे से ऊपर तक एक लॉन्ग स्ट्राइक देने से इवेनली स्प्रेड होगा ऑयल। इस तरह इवेनली स्प्रेड कर लो। जहाँ जहाँ एक्सेस ऑयल आपको दिख रहा है ना, वो ऑयल पर स्पॉन्ज के एक बार मेश कर दो, अपने आप एक्सेस ऑयल स्पॉन्ज लेवल कर देगा। अब इसमें ध्यान रखना सो बात क्या है का, तो हैंडल ग्रिप्स, थ्रॉटल केबल ग्रिप, इधर क्लच का, ब्रेक का ग्रिप, दोनों ग्रिप को ऑयल मत अप्लाई करो। ग्रिप्स हमेशा ड्राई रहना चाहिए। अब साफ सुथरा कपड़ा लेकर कंप्लीट पोज दो, बाइक को भी इसी तरह पोज दो अगर ज़रूरत पड़े तो, नहीं का तो छोड़ दो। पन इस गाड़ी को साफ सुथरा लेके, कपड़ा लेके पूरा कंप्लीट एक बार पोज दो। जैसा मैं पोज रहा हूँ सेम उसी तरह पोज दो। अब अपने आँखों से आप ही देख रहे हैं ना डिफरेंस। अभी शोरूम से नई गाड़ी बाहर निकली, जैसा दिख रहा है ना, इस तरह चमकाने के लिए बाहर आपको 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये उनकी मर्जी से चार्ज करते हैं। आप सिर्फ ये ऑयल को ख़रीद के घर में रखो, मंथली वन से इस तरह कर दो तो आपकी गाड़ी एवरग्रीन कभी भी नई जैसी ही चमकेगी। अब ये कोटिंग क्या, विंडशील्ड बनेगा और सनशील्ड भी बनेगा, सन का इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा और आपका बानेट डल नहीं होगा, सालों साल नई दिखेगा। इस ग्रिप पर मात्र ऑयल मत डालो। देखिए कितना सुंदर सा चमक रहा है अपना गाड़ी, इस तरह आप भी कर दो। ओके फ्रेंड्स, इस तरह आप भी अपनी गाड़ी को चमकाओ और खुशी से रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक से फिर से मिलूँगा, तब तक के लिए बाय। आपका नॉलेज एरो।